हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नॉलेज के अंदर। आज मैं फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन की एक वीडियो बना रहा हूं, जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न से ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिस पर मैं शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाला हूं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा वैद्युत शक्ति, मैं इसके फार्मूले निकालना आपको सिखाने वाला हूं। सारे के सारे फार्मूले बेसिक मान लीजिए शक्ति का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पी बराबर एक फार्मूला होता है वी आई, जहां पे अब ये जहां पी क्या होती है शक्ति पावर, वी वी जो हमारा होता है क्या होता है विभवांतर या विभव, और आई जो होता है धारा, क्या होता है धारा। अब इसके बाद आप जानते हैं वी बराबर एक फार्मूला होता है आई आर, तो इस फार्मूले को इधर रख देते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा पी का निकल के आने वाला है, पी इक्वल टू वी के स्थान पर क्या रखना है आई आर और इंटू में आई, तो इस आई आई का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू में आर। तो एक फार्मूला हमारा ये निकल कर आ गया, एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला तैयार। अब इसके बाद आपको इसी फार्मूले से निकाल लेना है आई इक्वल टू, तो जब हम आई इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा वी अपान में आर, क्या हो जाएगा वी अपान में आर। तो इस आई के मान को भी इधर पुट कर देंगे, तो जब इस आई के मान को भी इधर पुट कर देंगे या फिर आप इधर पुट कर सकते हैं तो भी एक ही चीज निकल के आएगा। मैं दोनों से आपको करवा देता हूँ। तो जैसे कि पहले मैं इस पर पुट कर रहा हूँ, तो पी इक्वल टू आई के स्थान पर रखना है तो वी गुणते, अब आई के स्थान पर हमें रखना है वी अपान आर, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ वी अपान में आर। अब ये वी वी आपस में मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपान में आर, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपान में आर। अब आपको सारा कुछ पता होगा कि आर हमारा जो है वो प्रतिरोध है, और वैद्युत प्रतिरोध कह सकते हैं, आर हमारा क्या है वैद्युत प्रतिरोध। इसके बाद इस वाले में रखना था तो इस वाले में रख के मैं दिखा दे रहा हूँ, P बराबर I के स्थान पर रखना था V स्क्वायर अपान में R, एक ही चीज आएगी तो V स्क्वायर अपान में R स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि I का स्क्वायर लगा था और I की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो उस पर V स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा इंटू में R, तो देख सकते हैं कि R से R कैंसिल हो जाएगा और बचेगा V स्क्वायर अपान में R, जो कि हमारा निकल आया था। तो चाहे जिस फार्मूले पर रखो वैल्यू वही आएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि V बराबर होता है W अपान में Q, तो अब इस फार्मूले को इधर पुट कर देते हैं, एक फार्मूला हमारा और निकल के आ जाएगा, तो P इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे V के स्थान पर W अपान में Q, W अपान में Q इंटू में I, एक फार्मूला ये निकल कर आ गया, कहीं भी यूज हो सकता है। इसके बाद अब आपको पता होगा Q बराबर एक फार्मूला होता है आई टी, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे Q बराबर आई टी तो W अपान में आई टी इंटू में I, तो यहाँ पर I से I कैंसिल हो जाएगा और एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा W अपान में T, P बराबर क्या निकल के आ जाएगा W अपान में T। ये सारे फार्मूले आपको लर्न करने हैं जितने भी मैं करवा रहा हूँ, वरना फिर न्यूमेरिकल में आप न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे, एक भी न्यूमेरिकल पे चल नहीं पाओगे, फिर बाद में यही कमेंट करोगे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा। इस बार मैं न्यूमेरिकल बहुत हल्के नहीं करवाऊंगा, थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। इसके बाद आपको निकल कर आ गया पी बराबर डब्ल्यू अपान में टी, अर्थात W बराबर पी टी, निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया। अब इसके बाद आपको पता है W के फार्मूले निकालना है, क्योंकि आपको अभी W के फार्मूले तो पता नहीं, तो अब P का फार्मूला आप जानते हैं कि होता है वी आई, तो इसी जगह पुट कर देंगे तो एक W फार्मूला ये हो गया। दूसरे W का फार्मूला निकालने के लिए वी आई के स्थान पर इधर पुट करेंगे तो वी आई और ये टी हो जाएगा, तो एक फार्मूला निकल कर आ गया W बराबर वी आई टी। इसके बाद अब आपको पता है कि P बराबर एक फार्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू में R, तो इसको भी यहीं पे पुट कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा, P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर अपान में R, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ तो आई स्क्वायर अपान में इंटू में R इंटू में T, एक W बराबर ये फार्मूला हो गया W बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसके बाद W बराबर अब P का एक फार्मूला होता है V स्क्वायर अपान R, तो इधर रख देंगे तो हो जाएगा V स्क्वायर अपान में R और इंटू में T, ये भी एक W का फार्मूला हो गया।
डब्ल्यू के कितने फार्मूले निकल कर आ गए, चार फार्मूले डब्ल्यू के आपके निकल कर आ गए। इसके बाद अभी और फार्मूले निकलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि W बराबर फार्मूला होता है वी आई टी, ये होता है वी आई टी, और आप इस वी आई टी के स्थान पर आप जानते हैं Q बराबर फार्मूला होता है आई टी, तो जहां पर आई टी लिखा है वहां पर आप लिख सकते हैं Q, तो एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा W बराबर V इंटू Q। ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि W क्या है, तो आप जानते हैं W हमारा कार्य है, मैं इधर इसे भी लिख दे रहा हूँ, जहाँ W हमारा क्या है कार्य है। इसके बाद आप जानते हैं टी हमारा समय है, फिर इसके बाद आई जानते हैं धारा है, वी विभव है, वो तो मैंने लिख ही दिया है, इसमें सारा कुछ आपको पता है, क्लियर है कि ये क्या है क्या नहीं है, बस इतने फार्मूले मैंने करवा दिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप बिल्कुल क्लियर लर्न करके रख